अमेठी में देर रात सरकारी जमीन पर कब्जा कर बने अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जेसीबी से अवैध कॉम्प्लेक्स जमींदोज किया गया। तहसीलदार की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाने के मामले में जिला प्रशासन ने रोकी कार्रवाई। 10 लाख रुपए में बुलडोजर नहीं चलाने के लिए तय की गई रकम। दोनों पक्षों में हुआ समझौता। बिजनौर में अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया पर प्रशासन का शिकंजा। ड्रोन कैमरे से घने जंगलों में बने कच्ची शराब के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। सैकड़ों लीटर लहर नष्ट किया। यूपी में जारी है सर्दी का सितम। मुरादाबाद में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई गलन। अलाव जलाकर शरीर गर्म कर रहे हैं लोग। रैन बसेरों के इंतजाम नाकाफी। पीलीभीत में घने कोहरे को देखते हुए डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने पहली से लेकर आठवीं तक के क्लास के सभी स्कूल बंद करने के दिए निर्देश। 27 और 28 दिसंबर तक अवकाश घोषित। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की शिष्टाचार मुलाकात। दोनों के बीच तकरीबन 30 मिनट तक हुई बातचीत। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार के खिलाफ हरदा का हल्ला बोल जारी। परिजनों को न्याय दिलाने की मांग। आज दोपहर 12 बजे तक चलेगा प्रदर्शन। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से। उन्होंने की बोले योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं राहुल। भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में जुबानी जंग तेज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर वार। कहा कुछ दिन बाद अखिलेश भी जाएंगे जेल। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा समाजवादी जेल जाने को तैयार। आने वाले टाइम में उनके लिए भी जेल में जगह होगी तैयार। झांसी जेल में बंद सपा नेता दीप नारायण यादव से अखिलेश यादव की मुलाकात। पुलिस कस्टडी से अपराधी को छुड़ाने और आय से अधिक खर्च के मामले के आरोप में जेल में बंद है दीप नारायण। दीप नारायण यादव से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव सपा नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। भाजपा सरकार में नहीं की जा सकती न्याय की उम्मीद। अखिलेश यादव के अलग अलग जेलों में जाकर मुलाकात करने पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने साधा निशाना। कहा जेलों में अपराधी और माफियाओं से मिलने का समाजवादी पार्टी का पुराना काम। सपा ने हमेशा अपराधियों को दिया संरक्षण। बाराबंकी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने संगोष्ठी में शिरकत की। अखिलेश और शिवपाल यादव पर साधा निशाना। बोले कौन किसके करीब जा रहा है इससे भाजपा पर नहीं पड़ता असर। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज। आगजनी और धमकी देने के मामले में महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। खटीमा के मुख्य बाजार में बने गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टेका मत्था। राष्ट्र और धर्म की रक्षा में समर्पित अमर बलिदानियों को याद कर अरदास की। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का अजीबोगरीब बयान। बोले मांस खाने वाले और शराब पीने वालों को निकाय चुनाव में नहीं दिया जाएगा टिकट। नेता का करेक्टर अच्छा होना चाहिए। निकाय चुनाव में कूड़े का मुद्दा उठाएगी सपा। महंगाई कानून व्यवस्था बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाएगी पार्टी। सपा का भाजपा सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का फैसला। जल्द रणनीति बनाएंगे अखिलेश। कानपुर में नए साल पर सपा करेगी सत्याग्रह। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 24 घंटे का होगा सत्याग्रह। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में सत्याग्रह आंदोलन। हापुड़ में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दी जानकारी। 3 जनवरी से यूपी गेट से उत्तर प्रदेश में निकलेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।